यहाँ पे देखिए टिकट के लिए ना लाइन देखो कितनी लंबी लगी हुई है और बढ़ती जा रही है, भीड़ भी ना ऐसी बढ़ती ही जा रही है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जेडी व्लॉग्स। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट जेडी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अपनी जगह बहुत खुश होंगे। आज मैं आपको लेके आया हूं धर्मशाला, और धर्मशाला मैं आपको दिखाने वाला हूं यहां पे क्रिकेट स्टेडियम। जो ये क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों, इस स्टेडियम की जो खासियत है वो है ये हाई एल्टीट्यूड पर बनाया गया एक लोता स्टेडियम है जो कि धर्मशाला में है। मैं वहीं पर आपको लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ स्टेडियम भी। चलिए दोस्तों हमें ऐसे जाना है आगे स्टेडियम तक। वहाँ पे कुछ टिकट प्राइस भी है, जो एंट्री टिकट है वो भी मैं आपको बताऊंगा कितने की है, जिनका जो टाइमिंग है वो सारी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वहाँ पे जाके आपसे बातें भी करता रहूंगा और आपको जो स्टेडियम भी दिखाऊंगा और क्या खासियत है वहाँ पे उसके बारे में भी मैं आपसे बात जरूर करूंगा कि जो स्टेडियम है इसकी मेन खासियत क्या है। एक तो हाई एल्टीट्यूड तो है ही है, उसके अलावा और क्या खासियत है इस स्टेडियम की। सामने थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया भाई स्टेडियम ना, अभी वहाँ जाएंगे और वहाँ से अंदर से भी आपको मैं स्टेडियम दिखाऊंगा। और पीछे देखिए, पीछे पहाड़, पहाड़ों से घिरा हुआ है, बीच में स्टेडियम है। ये बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत कम गया हूँ, मैं किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में बहुत कम गया हूँ दोस्तों। पर हम लोग धर्मशाला आए थे, धर्मशाला पे यहाँ से फिर गए, अगर स्टेडियम को मिस करके गए तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। यहाँ की तो ये तो देखना बनता है ना कि हाई अल्टीट्यूड पर ये एक स्टेडियम बनाया हुआ है, इसका टिकट जो टिकट प्राइस है वो तो बताने वाला हूँ। टिकट लगाई हुई है और लोग यहाँ पर इतनी भीड़ आती है तो इसलिए हम भी आए हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर। देखिए लाइन ही लगी हुई है, ये देखिए कितनी बड़ी लाइन है टिकट के लिए। ये इतनी लंबी लाइन में तो भाई आधा ही घंटा लग जाएगा टिकट लेने में। ये देखो वहाँ पीछे से, वहाँ से स्टार्ट हुई थी ये लाइन, ये ऐसे 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 आगे तक है। यहाँ पे बात कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हुई है कि आप स्टेडियम में क्या चीजें नहीं ले जा सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए लिस्ट है पूरी, ऐसा ना हो यार कुछ चीज़ें आप ले गया हो यहाँ पे फिर आपको रखनी पड़े हो, वो मतलब एक आपके लिए वेस्ट ही होगी क्योंकि इन्होंने तो अंदर जाने नहीं देनी, या तो आपको फेंकनी पड़ेगी या फिर आपको अंदर नहीं जा पाओगे आप। तो ये चीज़ें हैं भाई, आप देख सकते हो जिसमें बोतल है, माचिस है, दूरबीन है, पटाखे, हथियार, कैमरा भी अलाउड नहीं है, देख लो भाई सिक्के, ये सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ें अलाउड नहीं है यहाँ पर ले जाने। और बात की जाए तो यहाँ पर जो यार टाइमिंग है इसकी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पे विजिटर का टाइम टेबल है वो 9 बजे से 5 बजे तक का है, और इनका जो टी ब्रेक है 11 बजे से 11:15 तक, लंच ब्रेक 1:30 से 2 बजे तक का है, वो टी ब्रेक है 3:15 बजे वाला, वो सेम ये इनका है। और जो टिकट प्राइस है स्टेडियम की एंट्री, वो 30 रुपीज़ पर पर्सन है, सारा है कैश भी, UPI सारी चीज़ों से आप कर सकते हो। लेते हैं और फिर हम अंदर जाएंगे, आपको सारा ना स्टेडियम जितना हो सकता है एक्सप्लोर कराएंगे, मैक्सिमम एक्सप्लोर तो कराएंगे, जितना क्या मैक्सिमम एक्सप्लोर आपको स्टेडियम कराएंगे। तो आप लोग मेरे साथ एंड तक बने रहिए, अभी चलेंगे अंदर टिकट लेने के बाद। चलिए फाइनली टिकट तो हो गया भाई, 30 रुपीज़ पर पर्सन की थी, हम लोग 4 हैं तो 4 टिकट ले लिया। इतनी बड़ी लाइन से भाई एक जंग जीतने वाला काम था एक जंग जीत गए हैं, अब चलेंगे अंदर, अंदर आपको स्टेडियम एक्सप्लोर कराएंगे। तो चलो चलते हैं, इन्होंने क्या किया फाड़ के ना आधे टिकट रख लिया, चेक हो गया, अब अंदर चलते हैं। हमारे दो जो पार्टनर है वो आए नहीं है, उनकी टिकट अभी ले रखी है हमने, वो आएंगे तो उनको देने आ जाएंगे भाई बाहर। ये देखो भाई ऐसा स्टेडियम है, ये देखो सारा बार स्टेडियम के ना अंदर चलते हैं। यहाँ पे ना इसका लेआउट बनाया हुआ पूरा स्टेडियम का, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए इस तरफ ऐसा कुछ है भाई, मुझे कम नॉलेज है क्रिकेट की, देख लेते थे कभी बचपन में देखा हुआ है थोड़ा बहुत, अभी मैच देख लेते, मुझे कम नॉलेज है पर ठीक है, मैं स्टेडियम जरूर दिखा दूंगा आपको कि यहाँ पे क्या है। वो अगर कुछ गलत बोला जाए ना कि भाई ये चीज़ वो होती नहीं है ये होती है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना भाई,
बाकी मैं कोशिश तो यही करूंगा आपको प्रॉपर दिखा पाऊं और बता भी पाऊं कि क्या है ये। वो चलते हैं भाई, ये एंट्री और एग्जिट ना दोनों इकट्ठे किए हुए हैं। ये गेट नंबर 5 है, यहाँ पे सामने वहाँ से जाएंगे। लो भाई, हमारे जो क्रिकेट प्रेमी एक तो राकेश है, मनोज है भाई, ये लोग तो जा रहे हैं आगे आगे। भीड़ तो बहुत है दोस्तों यहाँ पे ना क्रिकेट स्टेडियम में ना, लोग बिना मैच के, कोई मैच भी नहीं हो रहा है यहाँ, जब भी इतनी भीड़ है, जब मैच होते होंगे तो कितनी भीड़ हो जाती होगी देख लो। यहाँ पे ये है दोस्तों, ये इस तरह पहले तो भीड़ देखो यार, पवेलियन खाली भी पवेलियन भरा पड़ा है, मतलब आगे कोई मैच वैसे कोई चल रहे हैं टूर्नामेंट उनके, कोई मैच चल रहा है पूरी भरी पड़ी है भाई। और ये है आगे स्टेडियम, अभी इसमें पीछे वर्ल्ड कप में भी यहाँ पे मैचेस हुए थे, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ फिर राकेश भाई यहाँ पे फोटो क्लिक कराने के लिए आए हुए हैं सारे ना, इस मैच को भी एंजॉय कर रहे हैं और जो ये वेदर है इस वेदर को भी एंजॉय कर रहे हैं। है तो बढ़िया यार, मैं आज तक कभी आया नहीं था क्रिकेट स्टेडियम में, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, और मुझे आगे ना यहाँ पे भाई बढ़िया लग रहा है। बट एक चीज़ तो है यार, क्रिकेट मैच ना टीवी में ही बड़ा अच्छा लगता है, क्लोज से तो देख सकते हैं, यहाँ से तो पता ही लग रहा है यार कौन कौन प्लेयर है ये चीज़ तो है भाई। बट ठीक है, आप लोग, मैंने मेरा काम था कि आप लोगों को यहाँ पे आके दिखाना, मैं दिखा चुका हूँ, तो ऐसा कुछ है यहाँ। मेरे बैक साइड तो है ये क्रिकेट स्टेडियम है तो ये पूरा ही क्रिकेट स्टेडियम, ये पिच है यहाँ पे, और इसी के साथ यहाँ पे ये पूरा सिटिंग एरिया है। अब देख सकते हो अभी कोई मैच भी नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ पे ना लोग इस स्टेडियम को देखने के लिए आए हुए हैं, पूरी भीड़ लगी हुई है। तो मैंने भी आपको यहाँ पे ये सारा स्टेडियम दिखा दिया है, तो अब इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे जेडी व्लॉग्स के साथ, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, एक लाइक एक कमेंट तो बनता है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।